ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं 22 जुलाई 2023। आज की मुरली के सार में बाबा ने अंतिम समय में एक रस अवस्था बनी रहे उसके लिए कहा, एक बाप का बनना है अर्थात देह अभिमान टूट जाना चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए, तब अंत में वह अवस्था बनी रहेगी। फिर अंतिम समय चल रहा है तो बाबा ने स्लोगन स्मृति में दिलाया कि अंत में किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए, किनकी आग जलाए, सफली होगी उनकी जो धनी परमात्मा के नाम लगाए। बाबा कहते, तुम इस एक जन्म में बलि चढ़ते हो तो बाबा तुम पर 21 जन्म बलिहार जाते हैं। 21 जन्म तुम्हें कोई लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। फिर कहा, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लाता हूँ, जहाँ तुम कभी भी रोगी दुखी बीमार नहीं होंगे। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष की आयु रहती है। शिव बाबा तुम बच्चों के लिए यह सौगात ले आते हैं। फिर द्वापर से जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। फिर कहा कि साइंस दान भी कहते हैं कि पता नहीं कौन प्रेरक है जो हमसे ऐसी चीज बनवा रहे हैं। इसलिए गीता में भी कहते हैं, पेट से मुसल निकले, यह है बुद्धि की इन्वेंशन। फिर कहा कि तुम्हारी कोई मनुष्यों से युद्ध नहीं है, तुम्हारी है माया 5 विकार से युद्ध, तुम हो योग बल वाले राज ऋषि। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया, बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। आज मुरली से प्रश्न है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर में बाबा ने कहा, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए, सफली होगी उनकी जो धनी शिव बाबा के नाम लगाए। यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। बाबा कहते हैं, यह है एक जन्म के बलिहारी की प्राप्ति, कि सिर्फ इस एक जन्म में बाप पर बलिहार जाएंगे तो बाबा 21 जन्मों की ऐसी प्रालब्ध बना देंगे, 21 जन्मों के लिए बलिहार जाएंगे। आज मुरली में गीत बजा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, पहला, स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है, एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है, पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। दूसरा, बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है, योग अग्नि से विकर्मा जीत बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी देहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो, अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी, बैठेंगे बाप को याद करने और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। किसी का मोह पैसे में होता है, किसी का जेवर में, किसी का किसी संबंध में, जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं, एक रस नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सिर्फ एक बाप में मोह रखना है, बुद्धि की अटैचमेंट सिर्फ एक बाप से हो। सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेंगे तो एक रस अवस्था सहज बन जाएंगी। आज का स्लोगन है, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएंगी, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएंगी।
अच्छा, मीठे मीठे सुखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।